नमस्कार, बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस। आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत को दो भागों में वर्गीकृत किया था। प्रारंभिक शिक्षा सेकेंड उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम प्लेटो की उच्च शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो की उच्च शिक्षा सिद्धांत जैसा कि प्लेटो प्रारंभिक शिक्षा को राज्य के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य मानते थे और प्रारंभिक शिक्षा की जो आयु सीमा थी वो 20 वर्ष तक के विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन करते थे। 20 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद एक परीक्षा का आयोजन किया जाता था। उस परीक्षा में जो छात्र सफल होते थे वो उच्च शिक्षा के लिए पात्र होते थे। जो विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षा की परीक्षा के अंदर असफल हो जाते थे उनको उत्पादक वर्ग का कार्य करना पड़ता था। उत्पादक वर्ग में प्लेटो ने किसान, मजदूर, व्यापारी, शिल्पी आदि कई समुदायों को माना है। तो उच्च शिक्षा जो 20 वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद जो एक परीक्षा का आयोजन होता था उसमें सफल विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए पात्र होते थे और प्लेटो ने उच्च शिक्षा को भी कई विषयों में विभाजित किया है। पहला विषय प्लेटो ने बताया है वैज्ञानिक शिक्षा। वैज्ञानिक शिक्षा वैज्ञानिक शिक्षा के लिए 20 से 30 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होते थे। एक तरह से 10 वर्ष की वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्लेटो यह मानते हैं कि वैज्ञानिक शिक्षा के लिए जो परीक्षा होती है उच्च शिक्षा के लिए परीक्षा में चयन होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए जो एक तरह से प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति के बाद जो परीक्षा का आयोजन होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए। जो पात्र विद्यार्थी है वो वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। प्लेटो ने यह कहा है कि कभी भी जाति, वंश या समुदाय के आधार पर एक तरह से उनकी शिक्षा योग्यता के आधार पर या उनकी जाति के आधार पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक शिक्षा वही छात्र प्राप्त करेंगे जो प्रारंभिक शिक्षा उत्तीर्ण करेंगे और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो गणित, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और ज्योतिष ये चार विषय की शिक्षा
वैज्ञानिक शिक्षा के अंतर्गत प्रदान की जाती थी गणित, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और ज्योतिष की शिक्षा। नीति शास्त्र का मतलब होता है ऐसा विषय जिसमें मानव व्यवहार का, मानव समाज की रीति रिवाजों का अध्ययन किया जाता है वो नीति शास्त्र कहलाता है। दर्शन शास्त्र ऐसा शास्त्र जिसमें प्रकृति, आत्मा, मनुष्य और समाज के गूढ़ रहस्यों का अध्ययन किया जाता है वो दर्शन शास्त्र कहलाता है। और पृथ्वी के ऊपर ग्रह नक्षत्रों और तारों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये चार विषयों को प्लेटो वैज्ञानिक शिक्षा के अंतर्गत स्वीकार करते हैं और प्लेटो गणित को गणित के ऊपर सर्वाधिक जोर देते हैं। प्लेटो कहते हैं अपने एकेडमी के मुख्य द्वार पर प्लेटो ने लिखवाया था कि बिना गणित के ज्ञान के उन शिक्षा के लिए प्रवेश वर्जित है। तो गणित विषय को ही प्लेटो वैज्ञानिक शिक्षा के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। दूसरा विषय प्लेटो ने बताया है दार्शनिक शिक्षा। दार्शनिक शिक्षा दार्शनिक विषय के लिए विद्यार्थियों की आयु सीमा होती थी 30 से 35 वर्ष। 30 से 35 वर्ष इस परीक्षा का आयोजन 30 वर्ष के बाद वैज्ञानिक शिक्षा की समाप्ति के बाद जो दार्शनिक शिक्षा के लिए भी परीक्षा का आयोजन होता था उस परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थी दार्शनिक शिक्षा प्राप्त करते थे। और जो विद्यार्थी 30 वर्ष की आयु में वैज्ञानिक शिक्षा की समाप्ति के बाद जो परीक्षा होती है उसमें असफल होते थे उनको सैनिक और सामान्य प्रशासनिक पद दिए जाते थे। सामान्य प्रशासनिक पद दिए जाते थे। दार्शनिक शिक्षा 5 वर्ष तक निरंतर चलती है। इनमें मुख्य रूप से गणित, तर्कशास्त्र, न्याय और दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती है। दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती है। ये चार विषय दार्शनिक शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो ने सम्मिलित किए थे। इनके बाद प्लेटो ये स्वीकार करते हैं कि जिन विद्यार्थियों में दार्शनिकता के गुण विद्यमान होते हैं उन्हें प्रशासनिक पद दिए जाते हैं। और इसके बाद प्लेटो ने जो तीसरा विषय दिया था वो था व्यवहारिक प्रशासनिक शिक्षा। प्रशासनिक शिक्षा इसकी आयु सीमा प्लेटो ने 35 से 50 वर्ष स्वीकार किया है। एक तरह से दार्शनिक शिक्षा की समाप्ति के बाद जो विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों में दार्शनिकता के गुण विद्यमान होते हैं उनको राज्य के प्रशासनों प्रशासन या प्रशासनिक कार्य में नियुक्त किया जाता था। और जो विद्यार्थी अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से करते थे उन्हें व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से 15 वर्ष तक अपने कार्य को करना पड़ता था। और ऐसे विद्यार्थी आगे चलकर दार्शनिक राजा बनते थे, आने वाली भावी पीढ़ी को प्रशिक्षण प्रदान करते थे और अपने भावी उत्तराधिकारी तैयार करने का कार्य ये व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी करते थे। तो ये था प्लेटो का उच्च शिक्षा सिद्धांत। अब हम प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं पढ़ेंगे।
प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। पहली विशेषता थी जो प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा थी वो राज्य के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य थी। दूसरी विशेषता है कि प्लेटो की शिक्षा में किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं होता था। महिला और पुरुष सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलते थे। तीसरी जो विशेषता है प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की वो विशेषता यह है कि प्लेटो शिक्षा के लिए कोई निर्धारित आयु सीमा को स्वीकार नहीं करते। प्लेटो मानते हैं कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो प्लेटो की ये तीन शिक्षा की विशेषताएं हैं। पहली सभी के लिए अनिवार्य थी शिक्षा, दूसरा लैंगिक भेदभाव नहीं था, और तीसरी विशेषता है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया थी। ये था प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत पढ़ेंगे। थैंक यू।